अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। ग्लैडिएटर और पाकिस्तान के एक्स कैप्टन सरफराज अहमद ने भाई जिम्मा उठा लिया है कि मैं लाऊंगा मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप 2024 में वापस। और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के धागे खुल गए हैं, उनकी सारी बत्तियां गुल हो गई, आजम खान जैसी पर्चियां यहां पर भी एक्सपोज हो गई हैं। और इसके अलावा मार्टिन गप्टिल आ रहा है और अब एक फॉरन उनको ओपनर जो बिठाना पड़ेगा और गप्टिल जो वो खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जहां पर बात करते हैं सैफी भाई की, सरफराज अहमद ने कहा है कि जनाब मैं मोहम्मद आमिर से राब्ता करूंगा। ये वही मोहम्मद आमिर जिसने सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में तहलका मचाया था और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी मोहम्मद आमिर ने। तो उस मोहम्मद आमिर से आप सरफराज राब्ता करेंगे। सरफराज अहमद क्वेटा ग्लेडिएटर कैसे हैं, मोहम्मद आमिर भी क्वेटा ग्लेडिएटर कैसे हैं? तो सरफराज ने कहा है कि भाई अपने यानी कि तरीके से मैं बात करूंगा, जो मुझसे हो पाएगा मैं आमिर से बिल्कुल बात करूंगा और कहूंगा कि भाई अब आप यानी कि आपके पास टाइम है, पाकिस्तान को दोबारा आप रिप्रेजेंट करें। यानी कि सरफराज ने जिम्मा उठा लिया कि भाई इस रिलेटेड मैं मोहम्मद आमिर से बिल्कुल बातचीत करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड का भाई अब यही सीन है कि नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। इमाद वसीम को भी ले आए, शाह ब्रदर्स को ले आए। इसके अलावा जनाब अगर जहां पर बात करें स्पेशली शादाब का जो नाम है या एलेक्स हेल्स हैं, कॉलन मनरो हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं और इवन आजम खान साहब भी हैं, तो ये टीम भाई पूरी तरह एक्सपोज हुई है। जो दो इन्होंने बैक टू बैक मैचेस खेले हैं, मैं उनकी बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, स्पेशली मैं उनकी बैटिंग की जहां पर बात कर रहा हूं, बॉलिंग स्पेशली यार उनके पास तगड़े बॉलर हैं। शाह ब्रदर्स की बात करें, रुमान रईस का जो तजुर्बा है, यानी कि बॉलिंग की मैं यहां पर बात कर ही नहीं रहा। अगर जहां पे बॉलिंग के ऊपर सारा सवाल या मतलब सारा जो मलबे बॉलर्स के ऊपर डाल दे तो भाई कसूर जो सारा है वो उनके स्पेशली बल्लेबाजों का है कि आप जनाब एक के अंदर 144 कर रहे हो, एक के अंदर आप 140 तक ही नहीं जा पा रहे हो, 139 कर रहे हो। आपके पास इतने बड़े नाम है जनाब, एलेक्स हेल्स खेल रहे हैं, कॉलन मनरो खेल रहे हैं, आजम खान साहब खेल रहे हैं, फहीम अशरफ राणा साहब जब वो खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जनाब मार्टिन गप्टिल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करने जा रहे हैं और गप्टिल जो है वो आप खेलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो बेहतरीन ऑप्शन है कि जनाब मनरो या एलेक्स हेल्स में से किसी एक को थोड़ा सा यहां पर रेस्ट दें और गप्टिल को भी ट्राई करके देख लें। लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग ने बहुत ही ज्यादा जनाब पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई, एक्सपोज हो गए बुरे तरीके से। यानी कि जितनी बड़ी टीम पहले दो मैच के अंदर लग रही थी, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, तो यानी कि इस्लामाबाद की जो बल्लेबाजी है वो स्पेशली एक्सपोज हो गई है। अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।